बिग बॉस सीजन 13 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट है रॉबर्ट ब्राडा के जीजा। नमस्कार, बिग बॉस के 13वें सीजन को एक महीना पूरा हो चुका है। शो में अब 3 और लोगों की एंट्री हो चुकी है। ये 3 सेलिब्रिटी हैं हिंदुस्तानी, भाऊ खेसारी लाल और तहसीन पूनावाला, जो वर्ल्ड कार्ड के जरिए शो का हिस्सा बने हैं। रिपोर्ट की माने तो तहसीन घर के सबसे महंगे कंटेस्टेंट है। इससे पहले रश्मि दुसाई का नाम आ रहा था, जिन्हें सबसे ज्यादा पैसे देकर घर के अंदर लाया गया था। तहसीन पॉलिटिकल स्पीकर और कॉलमिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। ये एक न्यूज चैनल पर अपने भाई के साथ भाई बनाम भाई टाइप का शो किया करते थे, जिसके प्रोमो अति रोचक होते थे और सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक बनाया जाता। एक रोज वो शो भी अचानक बंद हो गया था। वो अक्सर टीवी के राजनीतिक बहसों में पैनलिस्ट के तौर पर नजर आते थे। अखबार वगैरह में कॉलम भी लिखते हैं। और इसके अलावा वह रॉबर्ट ब्राडा की कजिन मोनिका ब्राडा के पति रॉबर्ट ब्राडा राहुल गांधी के जीजा हैं। तहसीन पूनावाला अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी घर में पहुंचने की सूचना दे चुके हैं। पोर्ट बॉय में छपी खबर के अनुसार तहसीन को घर में एक हफ्ते के लिए 21 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी एक महीने के लिए 84 लाख रुपए लेकर वह घर के मेहमान बने हैं। इससे पहले सबसे महंगे कंटेस्टेंट का खिताब रश्मि दुसाई के नाम था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पूरे सीजन के लिए 1.12 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद उनके बाद बिग बॉस के घर के दूसरे सबसे कीमती कंटेस्टेंट थे सिद्धार्थ शुक्ला। बाकी दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करें तो हिंदुस्तान भाऊ के एक यूट्यूबर हैं, जिनके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी सिंगर और एक्टर हैं।